हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, इसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार रिपीटेड होती जाएगी, जिनको पहले ही समझना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ताकि हमें अकाउंटिंग करने में परेशानी ना आए। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। तो एक बात और गाइस, जो ये वीडियो लेक्चर है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का, इसको 2 से 3 पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हर एक पार्ट में हर एक टर्म्स को पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि हमें समझना एक बारी है, उसके बाद अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद हमें कभी भी इन शब्दों के अंदर, इन टर्म्स के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि वो पैसा या वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन ने, यानी कि ओनर ने, बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाती है। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस शुरू करना है दीप एम्पायर के नाम से, तो मैंने उस बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो जो मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो क्या कहलाएगा? वो कैपिटल कहलाएगी। जो कैपिटल है कैश या चेक से भी हो सकती है, हम पैसा लगा सकते हैं। और इसके अलावा ओनर के पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ संपत्तियां हैं जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया, कोई फर्नीचर है, जो भी बिजनेस में एक ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो नेक्स्ट आती है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि बिजनेस का मालिक ही प्रोप्राइटर कहलाता है। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो सब प्रोप्राइटर ही बियर करेगा, यानी कि मालिक ही बियर करेगा। तो नेक्स्ट टर्म्स आती है अकाउंटिंग की ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि वो पैसा या वो गुड्स जो ओनर द्वारा निकलवाया जाता है पर्सनल यूज के लिए। सिंपल शब्दों में बात करें तो बिजनेसमैन को भी घर चलाना है, वो क्या करता है, अगर उसे कोई पर्सनल यूज के लिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा? अपने बिजनेस से विड्रॉ करेगा। तो अकाउंटिंग के टर्म में जो पैसा या जो गुड्स बिजनेस से निकलवाया गया है ओनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? ये वो अमाउंट होती है या वो पैसा जो बिजनेस ने उधार में ले रखा है और एक टाइम पीरियड के बाद उसे उसे पे करना है। जो लायबिलिटी है वो 2 तरीके की हो सकती है। लायबिलिटी एक होती है लॉन्ग टर्म की, एक होती है शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो लंबे टाइम की उधार होती है, जिसे हम 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमें 10 साल में हम पे करते हैं। तो ये लंबे टाइम की उधार होती है। तो मान लीजिए मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है, तो उसको पे करने के लिए मुझे 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। ऐसी एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर के अंदर हम पे ऑफ कर देते हैं। तो ये वो लायबिलिटी होती है, छोटी मोटी लायबिलिटी, जैसे कि हमने 6 महीने के लिए, साल के लिए हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लिया हो, बैंक से ओवरड्राफ्ट निकलवा लिया हो, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो पेंडिंग में पड़े हैं जो हमने 2-3 महीनों में पे कर दिए हो, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। इसमें एक वर्ड आता है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? कि वो पर्सन या वो पार्टी जिनसे हमने उधार में माल परचेज किया है, जिनको हमें पैसे देने हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्रेडिटर कहलाते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है, तो स्टॉक को खरीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया, उन पार्टी से, उन कंपनी से उधार में माल परचेज कर लिया, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, यानी कि हमने उनको पैसे देने हैं, तो वो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का ही एक पार्ट है। बात करते हैं एसेट्स की। एसेट मतलब होता है संपत्ति, यानी कि वो सब चीज़ें जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है, जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। एसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को चलाने में। एसेट्स के बिना बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो कैपिटल का यूज मैं कैसे करूंगा? अपने कैपिटल की हेल्प से मैं अपने बिजनेस में एसेट्स को जनरेट करूंगा, ताकि मैं बिजनेस के अंदर रिवेन्यू कमा सकूँ। तो जैसे मान लो मैंने 50 लाख का यूज कैसे किया, कुछ मशीनरी लगवाई, कहीं बिल्डिंग ली, कहीं मैंने उस बिल्डिंग के अंदर मैंने एसी लगवाया, कंप्यूटर लगाया, फर्नीचर लगाया, ये सब कैसे, क्या चीज़ें हैं एसेट्स होती है जो बिजनेस को चलाने में काम आएगी। तो एसेट भी 2 तरीके की हो सकती है। पहली है फिक्स एसेट, दूसरी होती है करंट एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होती है? वो एसेट्स होती है जो बिजनेस में लंबे टाइम तक चलाने में काम आती है, बिजनेस को लंबे टाइम अर्निंग देने में काम आती है। तो ये वो एसेट्स होती है, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गए, ये सारी की सारी फिक्स एसेट कहलाती है, जो लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर यूजफुल होती है, यूज की जाती है। सेकेंड है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो विद इन 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर, जैसे कि कैश हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए, ये सब करंट एसेट होती है जो विद इन 1 ईयर के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स का मतलब होता है वो पार्टी या वो पर्सन जिनको हम उधार में माल सेल करते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, वो क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक्सपेंस। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे भी होंगे, तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है?
ये वो खर्चे होते हैं जो माल को परचेज करने में लगते हैं और माल को बनाने तक में जो भी खर्चा लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये कॉस्ट के अंदर है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। मान लीजिए कि एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, शूज़ बनाने वाली कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको लाने में भाड़ा दिया, कैरिज पे किया, उसको बनाने के लिए उसने लेबर लगाए, लेबर को वर्क पैसा दिया। तो ऐसे करके जो भी खर्चे उनके लगे हैं वो सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी एक शूज़ बनाने में जितना भी खर्चा लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो प्रोडक्ट को सेल करने में लगता है, जैसे कि उस शूज़ को बनाकर हमने बेचने में जो खर्चा लगाया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करवाई, सेल्समैन को रखा, मार्केटिंग करवाई, कमीशन पे किया, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑफिस के भी खर्चे आते हैं, जैसे कि डेली रूटीन पे जो चाय एंड कॉफ़ी लगती है, टी एंड कॉफ़ी, रेंट लगता है, ऑफिस को रिपेयर करने पे, ऑफिस को मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। आय भी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब है कि जो वो इनकम जो आप मेन काम से कमाते हो, यानी जो आपका मेन प्रोफेशन है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस मैन है, उसके लिए क्या है, एक बिजनेस से हुआ प्रॉफिट ही उसकी डायरेक्ट इनकम है। मैं टीचर हूँ तो मेरी इनकम क्या है, टीचिंग से जो मेरा इनकम आएगा वो सारी डायरेक्ट इनकम है। यानी जो मेरा मेन प्रोफेशन है उसके हिसाब से जो इनकम आती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो आपका मेन प्रोफेशन है उसके अलावा जो हम इनकम कमा रहे हैं वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। मान लीजिए मेरे पास एक रेंट, मान लीजिए मेरे पास दो घर है, एक में मैं रहता हूँ, दूसरे घर को मैंने किराए पर दे रखा है, तो जो सेकेंड हाउस से जो रेंट आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। मान लीजिए मेरा काम है टीचिंग का, लेकिन मैं किसी का मान लो मोबाइल बिकवा देता हूँ, मोबाइल को सेल करवा देता हूँ, किसी का स्कूटर है उसको सेल करवा देता हूँ, उससे थोड़ा बहुत मेरे को कमीशन मिल जाता है, तो क्या वो मेरी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। मेरे को कैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया तो वो क्या मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। हालांकि मेरा काम नहीं है जो मैं स्कूटर या मोबाइल में सेल करवाता हूँ, तो वो मेरा काम नहीं है, लेकिन जो इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। इनसे भी चलते फिरते मैंने इनको ऐसा कुछ सेल आउट करवा दिया, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये कुछ मेन अकाउंटिंग टर्म्स थी जिनको हमें समझना जरूरी था, और ऐसी काफ़ी अकाउंटिंग टर्म्स है अकाउंटिंग के अंदर जिनको हम सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर, यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर उन्हें समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिली होगी। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू। और किसी को अगर किसी भी तरह का क्वेरी या क्वेश्चन है इनकम GST से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू।